हे दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक के बारे में बात करेंगे, महात्मा गांधी की हत्या। तो एक कट्टर राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने उस व्यक्ति को मारने का फैसला क्यों किया जिसने अहिंसा के जरिए भारत को आजादी दिलाई? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से महात्मा कहा जाता है जिसका अर्थ है महान आत्मा, सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो एक विचारधारा थे। उनकी सोच और उनके कार्यों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। 1869 में जन्मे उनके जीवन की यात्रा ने उन्हें एक वकील से एक ऐसे नेता में बदल दिया जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए भारत के संघर्ष का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सत्याग्रह के सिद्धांत को विकसित किया। उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि सत्याग्रह का शक्तिशाली विचार था जो अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सच्चाई की खोज है। ये विचारधारा न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए बल्कि सामाजिक और नैतिक सुधार के लिए भी थी। उनके सरल जीवन और उच्च विचारों ने लोगों को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और भारत में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था सहित सामाजिक अन्याय के खिलाफ अथक संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को हरिजन कहकर सम्मान दिया और उनके उत्थान के लिए कई प्रयास किए। उनका जीवन उनकी शिक्षाओं का अवतार, शांति की किरण और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति का प्रमाण था। 30 जनवरी 1948 की सुबह दिल्ली में सर्दी के किसी भी दिन की तरह हुई, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी के अस्थायी निवास पर दिन की शुरुआत प्रार्थना और चिंतन के साथ हुई। गांधी जी अपनी अनुशासित दिनचर्या के अनुसार जल्दी उठे, एक शांतिपूर्ण और एकजुट भारत के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थे। जैसे ही घड़ी में शाम के 5:17 हुए, गांधी अपनी दो भतीजी के कंधों पर हाथ रखे अपनी शाम की प्रार्थना सभा के लिए बगीचे की ओर चल पड़े। उनके प्यारे बापू, उनके मार्गदर्शक को सुनने के लिए पहले से ही भीड़ जमा थी। जैसे ही वह भीड़ से होकर गुजरे, एक युवक नाथूराम गोडसे श्रद्धा के भाव से अपना सिर झुकाते हुए भीड़ से निकला। पलक झपकते ही शांत माहौल दिखा। गोडसे ने करीब से 3 गोलियां चलाई। गांधी जी हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया। गांधी जी की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे देश और दुनिया सदमे और अविश्वास की लहर में डूब गई। वह व्यक्ति जो हत्या के कई प्रयासों से बच गया था, जिसने न्याय और समानता के लिए अपनी अथक लड़ाई के दौरान मौत को आंखों में देखा था, अब नहीं रहा। विभाजन के जख्मों से अभी तक उभर रहा भारत शोक में डूब गया। देश भर में लाखों लोग अपने प्यारे बापू, अपने राष्ट्रपिता के लिए रोए। रेडियो प्रसारण ने अपने नियमित कार्यक्रमों को बाधित करते हुए दुखद समाचार की घोषणा की। उनके उदास स्वर उस सामूहिक दुहक को दर्शाते थे जिसने राष्ट्र को घेर लिया था। दुनिया भर के नेताओं, राजनेताओं और शांति कार्यकर्ताओं ने शांति के दूत के निधन पर शोक व्यक्त किया। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक, मॉस्को से लेकर बीजिंग तक शोक संवेदनाएं आईं, जिसमें गहरा दुख व्यक्त किया गया और उस व्यक्ति की विरासत को श्रद्धांजलि दी गई जिसने अपना जीवन शांति और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया। पूरी दुनिया ने भारत के दुख में साथ दिया। अपने प्रिय नेता की हत्या से जूझ रहे राष्ट्र ने न्याय की मांग की। महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और हर कोई इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए एकजुट हो गया। ट्रिगर खींचने वाले शख्स नाथूराम गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कानून के सामने पेश किया गया। उसकी गिरफ्तारी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, क्योंकि यह एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ लड़ाई थी। उसकी नफरत और कट्टरता ने गांधी के शांति के संदेश पर पानी फेर दिया। गोडसे का मानना था कि गांधी की नीतियां हिंदू समाज के खिलाफ थीं और उसने अपने कृत्य को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखा। इसके बाद जो मुकदमा चला वह सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं बल्कि कट्टरवाद के परिणामों से जूझ रहे राष्ट्र के लिए एक नैतिक निर्णय था। यह मुकदमा एक ऐसा मंच बन गया जहां देश ने अपने भीतर के विभाजन और संघर्षों को देखा। मुकदमे ने गोडसे की नफरत और उसकी विकृत विचारधारा की गहराई को उजागर किया, जो गांधी के शांति और अहिंसा के दर्शन के बिल्कुल विपरीत था। गोडसे ने अपने बयान में कहा कि उसने गांधी को मारकर एक महान कार्य किया है। 15 नवंबर 1949 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया, फांसी की सजा। यह निर्णय न केवल गोडसे के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश था जो हिंसा और कट्टरता का समर्थन करते थे। भारत के इतिहास के एक काले अध्याय के अंत का प्रतीक गोडसे को एक सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे के साथ
अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नीचे कमेंट्स में बातचीत जारी रखते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।